नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा जनवरी का चौथा हफ्ता, चलिए जानते हैं। आप लोगों का एक बात जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो हमारा दैनिक राशिफल होता है और जो हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा अच्छे घरों में होगा, अच्छे मित्र ग्रहों के साथ होगा, तो वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छे जाते हैं, वहाँ पर हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। और अगर वही चंद्रमा किसी बुरे घर में बैठा है या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि में बैठा है या किसी बुरे ग्रह के साथ है, तो ऐसे में हमें बहुत सारा संघर्ष उन दिनों में महसूस होता है और बहुत सारा संघर्ष फेस करना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा की गति और उसका भ्रमण ही ये निर्धारित करता है कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं 23 और 24 तारीख को चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा लाभ स्थान में विराजमान है, यहाँ पर चंद्रमा काफी अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान में विराजमान होकर 23 और 24 तारीख को चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, आपको बहुत सारा लाभ होगा, आपके गेंस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, बिजनेस में आपको काफी ग्रोथ मिलेगी। इन दिनों में अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे सफलता हासिल होगी, आपको इससे प्रॉफिट हासिल होगा। लाभ स्थान में बैठे हुए चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि पंचम घर पर पड़ रही है, इसलिए बच्चों के लिहाज से भी ये दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। उनको बहुत सारा यहाँ पर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में रहेगा, इसके कारण वो रिजल्ट भी अच्छे दे पाएंगे, यहाँ पर उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। चंद्रमा की ये स्थिति पंचम घर के लिए काफी अच्छी है, दृष्टि संबंध से चंद्रमा काफी अच्छा प्रभाव यहाँ पर देंगे। पंचम घर को हम संतान के लिए भी देखते हैं, इसलिए उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है जो लंबे समय से संतान की इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे समय में उनको रिजल्ट मिल सकता है, संतान संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ साथ उन पेरेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है जिनके बच्चे कहना नहीं मानते। पेरेंट्स को अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, परंतु यहाँ पर स्थितियाँ उनके अनुकूल रहेंगी, बच्चे कहना भी मानेंगे, उनकी बात को सुनेंगे भी और उसी प्रकार से काम करेंगे जैसा पेरेंट्स चाहते हैं। 11वें घर में बैठे हुए चंद्रमा उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, इन दो दिनों में उनको भी लाभ होने के चांसेस हैं। इसके साथ आगे बात करते हैं चंद्रमा की अगली स्थिति की। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे, ये स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी होगी, तभी कोई काम करना होगा, नहीं तो उसमें असफलता मिलेगी। 12वें घर में चंद्रमा आपके व्यय बढ़ा देंगे क्योंकि इसे व्यय का घर माना जाता है। इसके साथ ही आपके कर्म स्थान के स्वामी होकर चंद्रमा 12वें में विराजमान है, तो आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है। इस दिनों में खास ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर निर्णय ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई वाहन ना खरीदें, प्रॉपर्टी ना लें, कोई भी ऐसी जगह पर पैसे ना लगाएं जहां पर आपको नुकसान होने के चांसेस हों। तुला राशि के लिए उनके कर्म स्थान का स्वामी है चंद्रमा और 12वें में विराजमान है, और इसके साथ ही उनके कर्म स्थान पे राहु विराजमान है, जिसकी वजह से और भी थोड़ी सी स्थितियां जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, तो इस स्थिति को समझकर ही अपने काम करें तो बहुत अच्छा होगा। आगे बात करते हैं अगली तिथियों की। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा लग्न में विराजमान हो जाएंगी, ये स्थिति आपके लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो जाएगी। चंद्रमा लग्न में आकर आपके लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ आपके बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आएगी, पीछे कोई लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। इन दिनों में आपको चंद्रमा अच्छा प्रभाव देंगे, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा आराम से चल सकते हैं, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगन में बैठे हुए चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम घर पर भी है, इसके साथ साथ ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपकी बोली बहुत मधुर होगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और उससे प्रभावित होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, वो पार्टनरशिप से लाभ पा सकते हैं। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो भी समय काफ़ी अच्छा है, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो ये समय सोशल नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा समय है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा रहेगा। लगन में बैठे हुए चंद्रमा आपकी डेली इनकम को बढ़ा देंगे, व्यापार में आपको काफ़ी फायदा होगा। आगे बात करते हैं आखिरी दिनों की। महीने के आखिरी दिन 29, 30 और 31 तारीख, ये स्थितियां चंद्रमा के लिए किस प्रकार की रहेंगी चलिए जानते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में विराजमान है, दूसरे घर में चंद्रमा काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यहाँ चंद्रमा की नीच राशि है, इसकी वजह से यहाँ चंद्रमा उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ कर्म स्थान से राहु की पंचम दृष्टि भी दूसरे घर पर पड़ रही है, जो चंद्रमा को थोड़ा सा और दूषित कर देगी, इसकी वजह से भी चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चंद्रमा की स्थिति की वजह से। अगर आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसे निर्णय ना लें जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ना हो। प्लानिंग को ना करें इस समय में, थोड़ा सा डिले करें और पेशेंस के साथ बहुत ही धीरे धीरे चलें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो क्विक डिसीजन के लिए प्रेरित करता है, जल्दी से डिसीजन लेने के लिए कहता है। और इसके साथ जब राहु का दृश्य संबंध बनता है तो और भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो धन संबंधी मामलों में यहाँ पर काफ़ी रुकने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेंगे तो आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आने वाले समय में भी आपको इसका काफ़ी प्रभाव महसूस होगा। इसलिए इन दिनों में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा होगा। आज हमने यहाँ पर बात की है तुला राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा जनवरी का चौथा हफ्ता। आने वाली वीडियोज़ में हम अगली राशियों की बात करेंगे और देखेंगे कि उनके आने वाले दिन किस प्रकार के रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि नीचे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करते तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे ज़रूर प्रेस करें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।